हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास ये पिलो कवर है और काफ़ी मजबूत है और प्योर कॉटन है, केसमेंट कपड़े का है। ये लगभग काफ़ी मोटा है और इसकी जो बेडशीट थी वो तो पता नहीं कहाँ चली गई फट फुट के। और अब पिलो कवर बचा है और इसमें यहाँ पर इस साइड कहीं पर हल्के से होल वगैरह हो गए हैं, लेकिन बाकी हिस्सा इसका काफ़ी मजबूत है। तो मैं इसका आज आपको एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया देने जा रही हूँ और हम बनाएंगे इसका शॉपिंग बैग, मतलब वेजिटेबल आने वाला। आज इसको हम क्विल्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ सिलाई है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मार्जिन देकर के यहाँ पर मशीन चलाई गई है। ये रेडीमेड ही बेडशीट के साथ ही मिला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सिलाई है, जो साइड की सिलाई है, इसको नहीं खोलेंगे। ये जो अंदर की सिलाई है, जो गोटा टाइप से बाहर के लिए दे देते हैं कि तकिए के बाहर दिखती रहती है, तो उसको सिलाई हम केवल इसको खोल देंगे। तो पहले हम इसको खोल देते हैं। इससे हमें अंदर स्पेस मिल जाएगी। इस तरह से चारों तरफ की सिलाई खोल लीजिए, जो बाहर की सिलाई है उसको नहीं खोलना है। बहुत आराम आराम से इसको उधेड़ना है, कहीं से कपड़ा फटना नहीं चाहिए। ये हमारा पूरा खुल गया और इसमें हमको यहाँ तक पूरी स्पेस अच्छी खासी मिल गई है। अब इसमें हम मेजरमेंट करेंगे, पूरी पिलो की चौड़ाई देख लेंगे कितनी है। ये पूरी 16 आ रही है, तो हम इसको 16x16 ले लेंगे, 16x17 ले लेंगे। तो ये है 16x17, ये मैंने यहाँ पे निशान भी लगा रखा है पहले से, ये 17 ले लिया। अब इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद पहले हम जो कट किया है इसको ऊपरी हिस्सा इस तरह से मोड़ के सिल देंगे। और एक मशीन इस पे किनारे के साइड में चला देंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया। और अब जो बाकी हिस्सा काटा था उसको लेंगे, ये जो वाइट वाला हिस्सा है बैक साइड का, इसको पूरा हम निकाल देंगे। इसको कट करके निकाल लेते हैं। इसको अलग हटा देते हैं, इसको लेंगे। ये पूरा 16 इंच का है। ये देखिए 16 इंच का है। इसको हमने, ये जो बचा हुआ पीस था इसको जस्ट डबल कर लेंगे और दो पार्ट में कट कर देंगे। और इसकी बेल्ट बनाएंगे इस तरह से फोल्ड करके बेल्ट बना लेंगे।
इसको तैयार करने के बाद वाइट वाला पीस लेंगे, इसमें जो चौड़ा पीस है इसको लेंगे, इसको कट करेंगे। इसका दोनों सिरा पहले बंद कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाफ इंच 1 इंच डाउन जाते हुए तो इसको पैक कर देंगे। सीधा करेंगे, ये जो पैक बनाया था सेंटर में रखते हुए इसको अटैच कर देंगे। अब पॉकेट लगाने के बाद सेंटर निकालेंगे 8 इंच पर, ये सेंटर है हमारा, नीचे भी सेंटर निकाल लेंगे 3 इंच, इधर निशान लगाएंगे 3 इंच, इधर दोनों साइड में लगा लेते हैं इस तरह से। अब ये जो पॉकेट है, अरे ये जो हमारी बेल्ट है, नीचे का हिस्सा हटाएंगे, बाहर से इस पर सेंटर, ये जो सेंटर निकाला था 3 इंच का, उसके सेंटर पे रखेंगे, इस बेल्ट का सेंटर होना चाहिए। एक मशीन चलाएंगे और पलट के फिर उसको 2-3 मशीन चला देंगे। फिर सबसे ऊपर ये जो किनारे पर आ रहा है बेल्ट का हिस्सा, उसको भी मजबूत कर देंगे। और ये हमारा शॉपिंग बैग तैयार हो गया। हम लोग जब बेडशीट वगैरह खरीदते हैं तो सुंदर प्रिंट देख के ही लेते हैं, पिलो कवर भी अच्छा हो, नींद अच्छी आए, कमरे में अच्छा लगे, सब कुछ मिक्स मैच करके देख लेते हैं तब लेते हैं। तो अब बेडशीट फट जाती हैं, उनका दूसरा यूज़ हो जाता है, पिलो कवर रह जाते हैं, पिलो कवर इतने सारे हो जाते हैं कि क्या किया जाए, फेड भी हो गए हैं, चेंज भी करना है। तो इससे अच्छा है कि इस तरह के बैग बना लीजिए। पॉलीथीन बैन हो रही हैं, बैन हो चुकी हैं, बहुत सारी जगह बैन हो चुकी हैं, कुछ जगह पे अभी काम चल रहा है बैन करने का। तो इस तरह से बैग बनाइए और शौक से लेके जाइए, कितनी सुंदर प्रिंट और कितना अच्छा बैग इससे तैयार होगा। तो और लोगों को भी ये आइडिया दीजिए, बहुत यूज़फुल आइडिया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।